खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। विश्व की महाशक्तियां एक वायरस के सामने नतमस्तक हो गई हैं। अमेरिका परेशान है, इंग्लैंड में भी हाहाकार है, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्राजील भी बेजार है। दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में इस वायरस पर नकेल कसने के लिए वैक्सीन बनाने की कोशिश जारी है। तमाम कोशिशों के बावजूद वैक्सीन की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। वह एक दावे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये दावा किया है बाबा रामदेव ने। दावा ये कि पतंजलि में तैयार दवाई कोरोनिल में कोरोना को मात देने का मादा है। दावा यह भी किया गया कि दवा का ट्रायल जयपुर की निम्स यूनिवर्सिटी में किया गया और मरीज पर प्रयोग सफल भी रहा। खबर आग की तरह फैल गई। समर्थकों ने दाद दी तो विरोधियों ने सवाल उठा दिए कि कोरोनिल के रूप में बाबा रामदेव ने कोरोना की दवाई तैयार की है या कमाई का जरिया। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने भी दवा के प्रचार पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी। वहीं राजस्थान सरकार ने भी मामले को बेहद गंभीरता से लिया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि अगर दवा बिकती दिखी तो उसी दिन बाबा रामदेव जेल में होंगे। सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि जब आयुष मंत्रालय से लाइसेंस इम्यूनिटी बूस्टर बनाने का मिला तो बाबा ने दवाई कैसे बना दी। मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल कब और किसके कहने पर किया गया। अब हर जुबा पर है एक ही सवाल कि बाबा की कोरोनिल है क्या, दवाई या फिर कमाई। % रोगी उसमें रिकवर हो गए, अर्थात पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। यह इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। जो भी ऐसा काम करेगा वो सब कानून के दायरे में आ ही रहा है, चाहे बाबा रामदेव हो चाहे निम्स हो। किसने इजाजत दी उनको इस महामारी के लिए? आप अगर क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हो ये तो बहुत बड़ा अपराध है कि आप अपनी मार्केटिंग करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। बाबा रामदेव ने बनाई कोरोना की दवाई, बाजार में आने से पहले विवादों में आई। आयुष मंत्रालय ने प्रचार पर रोक लगाई। सेवा का है भाव या फिर करनी है कमाई। और सबसे बड़ा सवाल कि कोरोनिल आखिर क्या है, दवाई या कमाई। बिग फाइट पे बहस आज इसे हम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा जी हैं, कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी हमारे साथ हैं, निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर जी हमारे साथ हैं, शिकायतकर्ता डॉक्टर संजीव गुप्ता हैं, याचिकाकर्ता अधिवक्ता एसके सिंह हमारे साथ हैं और साथ ही कांग्रेस विधायक इंद्रराज गुर्जर जी भी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, शुरुआत करें सबसे पहले बलवीर सिंह तोमर जी, आपका ही रुख करेंगे क्योंकि बाबा रामदेव ने साफ कहा एविडेंस बेस्ड ये दवाई है जो कोरोनिल बनाई गई है, रिसर्च बेस्ड ये है, रिसर्च निम्स के साथ संयुक्त तौर पर किया गया है, दोनों के प्रयास है पतंजलि और निम्स के। इसके बाद अब इस पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या आपको पूरी जानकारी थी इसे लेकर, लाइसेंस को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि लाइसेंस दिया गया था इम्यूनिटी बूस्टर के लिए और कोरोना की दवाई बना के बाजार में लाने की कोशिश की जा रही है। बलवीर जी, देखिए सबसे पहले तो निम्स पे जो भी शिकायतें या जो भी कहिए जो मीडिया का चला जी, वो था कि क्या निम्स को क्लिनिकल टायर की परमिशन थी या है। इस बारे में मैं बड़ा क्लियर करना चाहूँगा, जिन्होंने कहा उनको शायद कुछ इसमें कानून के अधिवक्ता भी हैं लेकिन उनको शायद पूर्ण रूप से कानून के बारे में कभी कभी कुछ जानकारी नहीं आ पाती है। भारत सरकार ने 21 अप्रैल 2020 को एक गजट जारी किया जी। इस गजट से पहले कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर या एलोपैथी अस्पताल कोई भी आयुर्वेदा या ऐसी यूनानी मेडिसिन का ट्रायल नहीं कर सकता था। इस गजट के कॉलम नंबर 2 में खास तौर से लिखा है कि आयुर्वेद सिद्ध यूनानी होम्योपैथिक औषधियों के नैदानिक परीक्षण हेतु अभी इस जो कि एक्ट है उसके अंदर कोई भी हमारा प्राविधान नहीं है, यानी आयुष विज्ञान का कोई भी ये सिस्टम नहीं है कैसे उनकी जांच की जाए। नंबर 3 में उन्होंने लिखा कि भाई कोई भी आदमी जो कि इवन चाहे वो चिकित्सक किसी ब्रांच का हो, चाहे एलोपैथिक का रजिस्टर्ड हो और चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, वो आयुर्वेदिक यूनानी पद्धति को मेडिसिन को ट्राई कर सकता है। अब उन्होंने 3rd लिखा कि भाई इसको करने के लिए चूंकि आयुष मंत्रालय की कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं है या कोई नियम नहीं है तो उसके लिए उन्होंने लिखा मोटा मोटा कि भाई हमारे 9 पॉइंट्स हैं, उन 9 पॉइंट को ध्यान दिया जाए।
तो पहला पॉइंट था कि प्रस्ताव में उनके वैज्ञानिक सलाहकारों यानी उनको एडवाइजर्स ऑफ दी साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडीज इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी की मान्यता होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि निम्स को साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी जो होती है वो निम्स की डिपार्टमेंटल होती है, जो कि हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट ने स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन ने किया ट्रायल, तो उसकी पूरी एडवाइजरी साइंटिफिक कमेटी ने उसको अनुमोदन किया। ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी यूनिवर्सिटी की होती है, उसमें आपकी जानकारी के बताना चाहूँगा इसमें हमारे डोमिनेंट डॉक्टर्स होते हैं और उसके अलावा और भी यूनिवर्सिटी के अलावा और जगह से डॉक्टर लिए जाते हैं। इसके चेयरमैन जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी के नहीं होना चाहिए, कोई प्रख्यात डॉक्टर होना चाहिए, वो प्रख्यात डॉक्टर हैं, SMS के हैं वो। थर्ड, इसमें ऐसा होता है कि कोई और लोग 3-4 लोग ऐसे होने चाहिए जो यूनिवर्सिटी से संबंध नहीं रखते हों। इन सबके नाम भेजने पड़ते हैं भारत सरकार को, और भारत सरकार की एथिकल कमेटी अप्रूवल ग्रांट कमीशन है तो इसका अनुमोदन करता है, तब वो यूनिवर्सिटी की एथिकल कमेटी होती है। हर यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की अलग अलग होती है। तो इस प्रपोजल का भी एथिकल कमेटी से अप्रूवल लिया गया। फिर हुआ इसमें कि अगर ये क्लिनिकल ट्रायल है जिसमें कहा गया तो शुड बी रजिस्टर्ड विद CTRI। CTRI का मतलब होता है क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब मैं बताना चाहूँगा कि CTRI है क्या। देखिए, बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों के दिमाग में, आज चर्चा चल रही है, हमारे प्रांत के बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, हमारे आदरणीय नेता कह रहे हैं, हमारे आदरणीय लोग कह रहे हैं, नागरिक कह रहे हैं कि ICMR की परमिशन नहीं ली गई। CTRI होता क्या है? देखिए, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या है ये? CTRI इज नथिंग बट इज ए बॉडी ऑफ ICMR विच ग्रांट द रजिस्ट्री ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल टू बी अडॉप्टेड आर टू बी रिकमेंडेड आर टू बी गिवन लाइसेंस टू कंटिन्यू ए क्लिनिकल ट्रायल। सो वंस यू आर रजिस्टर्ड विद क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो करने के लिए आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिशन करना पड़ता है। ठीक है। और अगर आपका प्रोजेक्ट CTRI से रजिस्टर्ड हो गया, इसका मतलब आपको MCR की ICMR की बॉडी है, उसने आपको क्लिनिकल ट्रायल करने की परमिशन दे दी। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो गाइडलाइंस है, जो प्रोसीजर है, आप लोगों ने पूरा उसे फॉलो किया है, ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो गलत है। यस, उसे और आगे आता हूं। इस 9 पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि राजस्थान उस स्टेट की गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, नंबर एक। नंबर टू, उन्होंने लिखा है आप ऐसी स्थिति में सिर्फ आप आयुष मंत्रालय को अनुसंधान संबंधी विकास के बारे में अवगत करा दें। ठीक है। यानी नीज नो एनी मैंडेटरी कि आयुष की परमिशन ली जाए या एनी गवर्नमेंट, मैं राजस्थान गवर्नमेंट में काम करता हूं, मैं उसकी परमिशन लूं, कोई मैंडेटरी इस गजट में नहीं है। और ये भारत सरकार के गजट से किसी स्टेट का कोई भी नियम कानून उसको सुपरसीड करता है। ठीक है। अब आगे मैं कहना चाहूंगा कि इसके बाद भी हमने हमारा क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया से ये रजिस्ट्रेशन हो गया, ये डॉक्यूमेंट है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है CTRI/2020/05/025273। यानी इसमें भी रजिस्टर्ड है। देन अब रजिस्टर्ड में हमने कोई जुकाम खांसी के लिए नहीं किया इसको, हमने ये किया कि उन्होंने पूछा क्या है आपका, ये इज रेंडोमाइज पैरेलल ग्रुप प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल, दिस इज द मोस्ट एडवांस साइंटिफिक मेथड टू कंटिन्यू एनी ड्रग। फिर पूछा गया आप किस पे काम करेंगे, तो हमने बोला कि इट इज द एलोपैथिक मेडिसिन में इम्पैक्ट ऑफ आयुर्वेदा ट्रीटमेंट ऑन नोवल कोरोना वायरस डिसीज। हमने ये नहीं कहा कि मैं खांसी जुकाम बुखार, तो ये फिर वहां से तो यही कहा जा रहा है कि हमसे तो कहा गया कि इम्यूनिटी बूस्टर के लिए सर्दी जुकाम और बुखार के लिए है और इसलिए हमने उसका लाइसेंस दिया। थोड़ा सा कंफर्म करें। हाँ। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो दवाओं का मैंने ट्रायल किया जिसकी मैंने CTRI परमिशन ली उनकी बात कर रहा हूँ, अभी हम कोरोनिल पर नहीं आ रहे हैं। ठीक है। हमने कोरोनिल का ट्रायल नहीं किया, हमने जिन दवाओं का किया सरकार ने कहा, राइट, वेरी क्लियर, आप वेरी क्लियर नाउ। ठीक है, ठीक है। तो हमने आयुर्वेदिक दवाओं का ट्रीटमेंट का ट्रायल किया। हाँ। और उन्होंने पूछा इसका साइंटिफिक नाम क्या होगा, ICMR के CTRI ने, मैंने लिखा इसका साइंटिफिक नाम होगा इंपैक्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल आयुर्वेदा ट्रीटमेंट रेजिम ऑन COVID-19। तो दिस वाज वेरी स्पेसिफिक, उन्होंने पूछा। ठीक है बलवीर जी, एक मिनट, किस साल के लोग लेंगे, हमने लिख दिया 15 साल से 80 साल के लोग लेंगे। ठीक है, आपने ये सब चीजें की, आपने कहा आप कोरोनिल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ठीक है, आपके पास लौटेंगे सर, वापस पॉइंट कहना चाहूंगा, बिल्कुल सर वापस आपके पास आते हैं, इसी बीच में वापस आपके पास बलवीर जी आते हैं, लेकिन हम जरा संजीव गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। शिकायत सबसे पहले संजीव गुप्ता जी ने की। संजीव जी, क्या ऑब्जेक्शन था इसे लेकर, क्या आपको लग रहा था कि रामदेव जो दावे कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है, गलत प्रोसीजर अपनाया गया है, जबकि अभी कई चीज प्रूफ जो निम्स को लेकर थी वो बलवीर जी ने क्लियर करने की कोशिश की। देखो सबसे पहले तो बहुत
स्पष्ट रूप से मैं आपको फर्स्ट इंडिया के माध्यम से पूरी देश की जनता को, राजस्थान की जनता को बताना चाहेंगे कि ना तो मैं आयुर्वेद का विरोधी हूँ और ना ही मैं योग का विरोधी हूँ। बाबा रामदेव से कोई व्यक्तिगत द्वेषता नहीं है। अब बात चल रही है कि इस वक्त दुनिया में कोरोना वायरस नामक ऐसी गंभीर बीमारी से पूरी दुनिया ग्रसित है, भारत भी ग्रसित है। देश के प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, यानी कि पूरा हिंदुस्तान पिछले 21 मार्च से लॉकडाउन में पड़ा हुआ है। अगर ये गंभीर इतना नहीं होता कोरोना वायरस, तो शायद लॉकडाउन, मैंने तो मेरे जीवन में देखा नहीं, 55 साल का हो गया, इससे पहले कब हुआ होगा आपने भी नहीं देखा होगा, यानी गंभीरता तो उसकी है। हाँ, बिल्कुल ऐसे वायरस। इस गंभीरता में मैंने समय समय पर आयुष मंत्रालय या हमारे जो नेशनल डायस्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके होम डिपार्टमेंट के, क्योंकि कोरोना के बारे में कोई भी दवा, कोई भी विज्ञापन आए, उसका झूठा दावा कोई भी करता है कि हम करेंगे, तो पहले उसको ICMR या केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब क्या हुआ कि स्वयं आयुष मंत्रालय के जैसे अवर सचिव हैं, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला 2 जून को, जो मेरे को सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर मिला। 2 जून के इस ऑर्डर में क्लियर है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना का फाल्स दावा करेगा तो उसको सजा का प्रावधान है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। ठीक है, ये मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से मिला, तो मैंने इन सब चीज़ों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद मुझे एक और ऑर्डर मिला 1 अप्रैल का। जरा आप गौर करेंगे, हालांकि मेरे पास व्हाट्सएप पे भी है, ये मैं इसका प्रिंट निकाल के लाया हूँ, आप इसको देखेंगे कि 1 अप्रैल को ये आयुष मंत्रालय का ऑर्डर है जो कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी फाल्स अगर कोई दावा करता है कोरोना वायरस का, चाहे वो किसी भी माध्यम से करे, TV के माध्यम से करे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करे, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए सारे सेक्रेटरी को आदेश। संजीव गुप्ता जी, क्या आपके कंप्लेंट का बेस यही था? जी, मेरी कंप्लेंट का मेन बेस यही है कि कोरोना, फिर हमने और मालूम किया, कल मेरी ड्रग कंट्रोलर ऑफ उत्तराखंड से भी बात हुई, मैं लाइव पे था, आयुष मंत्रालय भी था लाइव पे, मंत्री जी भी थे, उन्होंने साफ कहा कि कोरोनिल नाम की टेबलेट का उत्तराखंड ड्रग कंट्रोलर के यहाँ पर ज्वर और खांसी के लिए इलाज के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगाई गई थी। अब किसी कोरोनिल टेबलेट जो किट आ रहा है टीवी पर, आपने भी देखा, सारी दुनिया ने भी देखा, उस पर दावा किया गया था कि 100% हम कोरोना का खत्म कर देते हैं। हाँ। इसको अब अगर ऐसी बात है तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री जी से फर्स्ट इंडिया के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि बाबा रामदेव का और हमारे निम्स के तोमर साहब, चेयरमैन साहब का राष्ट्रपति पदक के लिए इनको, आपने उन खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी को आके इनका स्वागत करना चाहिए था इनके घर आके। और मेरे ख्याल में हो सकता है कि अभी हमारे अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने बड़े दावे के साथ SU की मांगी, 10-20 प्लेन कोरोनल भी मांगने का हमें अंदेशा होना चाहिए था और उनको देनी भी चाहिए थी। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं ये दावे गलत है, जो दावे सही है तो प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी को उनको विमोचन करना चाहिए था। ठीक है, सुरेश चौधरी, ICMR और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे पल्ला झाड़ लिया। ठीक है, सीधे तौर पर इस दरकिनारी कर दिया और इसलिए इसे रोका गया एडवर्टाइजमेंट से भी। लेकिन सुरेश, अब इसके अलावा कुछ पॉइंट और हैं। संजीव जी वापस लौटेंगे, सर गेस्ट और भी हैं, हम जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। सुरेश चौधरी जी, चिकित्सा मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि अगर कोशिश भी की गई इस दवा को यहां बेचने की तो बाबा रामदेव सीधे जेल में जाएंगे, ये गलत था। अब क्या मंशा पर सवाल है बाबा रामदेव के? नहीं, बाबा रामदेव की तोमर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने बता दिया, और जिसने उन्हें परमिशन लेने की कोशिश ही खांसी जुकाम की है, और बाबा रामदेव ने इतनी बड़ी रिसर्च कर ली, तो डॉक्टर साहब ठीक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को बुला के और प्रधानमंत्री जी को लॉन्च करना चाहिए था। बल्कि ट्रंप और आ जाते हैं अमेरिका से, बाबा रामदेव केवल प्रचार करके कमाई वीर हैं, वो जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं कह रहा हूं कि राजस्थान के चिकित्सा मंत्री ने ठीक कहा है कि राजस्थान में अगर ये फर्जी दवाई बेची गई तो बाबा रामदेव को बंद करेंगे, बाबा रामदेव की संस्था पे केस दर्ज करेंगे। ये झूठी दवाई, झूठा प्रचार करने का, उनके प्रचार के माध्यम से इस दवा को लोगों को, ऐसी बीमारी जिसके लिए पूरा विश्व चिंतित है, पूरी सरकारें, पूरा सिस्टम बंद पड़ा है, अच्छी बात है, वो अगर दवाई
मैं कह रहा हूँ कि काढ़ा लेते हैं, काढ़े से भी ठीक हो रहे हैं। पूरी दुनिया कह रही है, ऐसे भी लोग हैं जो जिनके कोरोना हो गया होगा वो ठीक होकर चले गए होंगे, लेकिन किसी दवा को ये प्रचारित करके बेचना कि ये कोरोना की दवाई है, कोरोना की दवाई है, इससे क्वारंटीन 19 ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, मरीज पूरे स्वतंत्र पूरे 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 ठीक हो रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ने यहाँ राजस्थान सरकार को कब सूचित किया? वो डेट भी तो होगी ना, कब राजस्थान सरकार को बताया, कब राजस्थान मेडिकल जानकारी नहीं थी, इनको परमिशन, ये तो जानकारी नहीं थी, वो बोल रहे हैं कोई जानकारी नहीं थी, और ये ट्रायल कोई राजस्थान सरकार को पता नहीं है। हाँ। फिर ये दवाई राजस्थान में कैसे बिकेगी, भारत में कैसे की, भारत सरकार कहते इसके लिए कि ये बेच रहे हैं। तो बाबा रामदेव जिन नेताओं से, जिन देश के नेताओं से मिले जुले हैं और इस दवाई के माध्यम से राजस्थान के भारत के लोगों को खतरे में डालकर इससे लाभ कमाना चाहते हैं, वो न राजस्थान सरकार होने देगी। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि कोरोनिल जो लॉन्च की गई है वो दवाई नहीं है, वो कमाई है, कमाई पर ही फोकस किया गया इस कोरोना 100% कोरोना काल में भी। बिल्कुल ठीक है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा जी भी हमारे साथ बने हुए लगातार। ज्ञानदेव जी, आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार जब से बाबा रामदेव ने इसे लॉन्च किया है विरोध लगातार हो रहा है, सरकार साथ में नहीं है, आयुष मंत्रालय सीधे तौर पर कहता है कि हमसे लाइसेंस किसी और चीज को लेकर लिया गया और यहां पर लॉन्च कर दी गई कोरोना की दवाई। लेकिन साथ ही साथ ज्ञानदेव जी एक और बात सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि क्योंकि केंद्र सरकार से बीजेपी से नजदीकियां है बाबा रामदेव की, इसलिए इन्हें टारगेट किया जा रहा है। अब आप जरा इन दोनों का जवाब दे दीजिए। ऐसा है कि मैं राजनीतिक बात नहीं बोलूंगा जी, भले ही मैं राजनीति में हूँ, राष्ट्रीय प्रतिनिधि हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ जी जी। बाबा रामदेव एक संत हैं और इनोसेंट हैं। बाबा रामदेव ने स्वदेशी को जगाया है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किया है। बाबा रामदेव ने जो माननीय मोदी जी ने कहा अपने लोकल को वोकल करें और ग्लोबल करें, तो वैश्वीकरण किया है आयुर्वेद का। आयुर्वेद वो है जिन्होंने भगवान श्री राम के भ्राता लक्ष्मण को मूर्छित होने पर और वैद्य की संजीवनी बूटी लाने पर, मूर्छित नहीं वास्तव में तो वो बिल्कुल मृत्यु शैया पर थे, उनको ठीक किया। आयुर्वेद के चरक और धन्वंतरी ने आंकड़ा और वालो पत्र से लेकर के धतूरे से लेकर आयुर्वेद में तो सवाल ही नहीं है सर, याद है रावण के रावण के सवाल नहीं है, ना रावण जी के आयुर्वेद पद्धति पर बिल्कुल सवाल नहीं किया जा रहा है, से आए थे वो मत बताओ, इस दवा से भारत में क्या होगा, लोग बचेंगे जिएंगे, सुरेश आपकी कितनी परसेंटेज पे हुई है वो बताओ, आप तो आपकी कितनी परसेंटेज पे हुई है वो बताओ। ठीक है सुरेश जी, एक मिनट वो अपनी बात पूरी। ज्ञानदेव जी, इस दवा को लेकर आप बीच में आयुर्वेद को लेकर कोई विरोध नहीं, शांति से सुना जी जी सर, मैंने आप तो फिर 10,000 वर्ष पहले के राम के पुजारी हम भी हैं। ठीक है सुरेश जी, बात सुन लीजिए, आप शांति से सुनिए जी, ज्ञानदेव जी बात पूरी कीजिए। अरे आप झूठे बेईमान हो, तुम झूठे बेईमान हो, तुम लोग मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो जब मैं बिल्कुल नहीं बोला, मैं बिल्कुल नहीं बोला, फिर वो गलत बात कर रहे हो आप, मैं को राम पे क्यों जा रहा, राम के पुजारी तो हम भी हैं, आप चुप, आयुर्वेद के पुजारी हम भी हैं, आयुर्वेद के लिए मैं कह रहा हूँ, इस दवा पे आओ ना आप सीधे, आप कोरोनिल पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आप दवा पे बात करना सीधे, आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? तुम मन से बेईमान, आप एक बात बताइए, 135 करोड़ का डेटा के दाम दे दिया, इस देश की जनता मरने के लिए तैयार नहीं कर रहा। ठीक है, दवाई के बीच में पैसे आप खाएंगे, मेरी बात सुनिए, रामदेव को पूरा आज कोरोनिल टैबलेट की वजह से कोई संत नहीं है वो, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, आप आहूजा जी मेरी बात सुनिए, बाबा रामदेव ने दावा किया कि इससे कोरोना का मरीज ठीक हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आहूजा नहीं सुनेगा, आपने आपकी मेरी बात सुननी पड़ेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर लॉकडाउन खत्म हो गया, फिर तो फिर देश की जनता बिना मास्क के बिना सोशल डिस्टेंसिंग के आप कोरोना वायरस की खत्म, पूरी दुनिया में डोलेगी, कोई मास्क की जरूरत नहीं है, फिर किसी के चमचे की जरूरत नहीं है, पूरे देश में सामुदायिक आप होंगे। ठीक है सर, संजीव गुप्ता जी मैडम ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसलिए हम इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं सर, धन्यवाद जो पहली बार बाबा रामदेव और एक संगठित सुनियोजित षड्यंत्र का पर्दाफाश मीडिया ने किया, मीडिया अगर इस देश में नहीं होता तो ये व्यापारी लोग इस देश की, इसलिए बुलाया गया आपने, अगर पहले कंप्लेंट की, बिल्कुल सब कुछ सुनना पड़ा, मैं देश का जलाल हो,
तुम पाकिस्तान का दलाल हो। ज्ञानदेव जी, ज्ञानदेव जी कहां जा रहे हैं? ज्ञानदेव जी कहां जा रहे हैं? पाकिस्तान पर चलो आप और मैं बॉर्डर पे, पहला गोली मैं मारूंगा और फिर खाऊंगा। संजीव आप घर में बैठ जाओगे। संजीव गुप्ता 135 करोड़ जनजाति आपने सवाल किया, उन्हें जरा जवाब भी दे दीजिए, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। आप कितने वरिष्ठ आदमी हैं, आपको भगवान राम को डिवाइड कर दिया आपने। संजीव गुप्ता जी, संजीव गुप्ता जी, सुरेश जी, कांग्रेस भी कर रहा है तो मुखबिर हो। 35 करोड़ की जनसंख्या में कांग्रेस भी कर रहा है देश को। आप सुरेश जी, आपको आपने शांति से बात रखी, किन लोगों ने रिसर्च किया? संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, किन लोगों ने? संजीव जी, संजीव गुप्ता जी, आप बात सुनिए सर, वरना आपसे सवाल फिर आगे ले नहीं पाएंगे। संजीव गुप्ता जी, आपने अपनी बात रखी, अपनी बात ले रहे ले रहे ना सर, इसलिए उनसे कहा, एक मिनट ज्ञानदेव जी, आप अपनी बात रखिए सर, सीधे कॉर्नर पे आइए, हम कॉर्नर पे बात कर रहे हैं। आप सर ज्ञानदेव की बात कर रहे हो तो हमसे पूछो कौन भ्रष्टाचार है? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसे में किसी का दावा साफ नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। हाँ ज्ञानदेव जी, ज्ञानदेव जी इस दवा पर आइए, ज्ञानदेव जी ठीक है, या राम पर आ जाओगे? संजीव गुप्ता जी, चलिए ठीक है, संजीव गुप्ता जी बात सुनिए उनकी। नहीं, पहले आप तीन बात नहीं करोगे इस देश में, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करोगे आप इस देश में, भगवान श्री राम की बात नहीं करोगे, जिस चीज के लिए चर्चा कर रहे हैं वो बात खत्म हो जाएगा। संजीव गुप्ता जी, संजीव गुप्ता जी, आप ये तय नहीं करेंगे। बेईमानो, अरे बेईमानो, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? संजीव गुप्ता जी, एक मिनट शांत होइए सर, बेईमान आप। एक मिनट सुरेश जी, सुरेश जी, ये क्या बना दिया था सर? ये डिबेट हमने छोड़ा, आप इसे डिरेल नहीं कर सकते। एक मिनट सुरेश चौधरी जी, आप लोग क्या कर रहे हैं सर? हम चर्चा कर रहे हैं एक अहम मुद्दे पर, आम चर्चा कर रहे हैं, अनर्गल बातें करते हैं। जब भी आप चर्चा करते हो एक तीन मुद्दा बातें, बिल्कुल ठीक है सर, राम पर आते हैं, पाकिस्तान पर आते हैं, उसी पर आ रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं, जनता की बात नहीं करते। ज्ञानदेव जी, आप इस दवा को लेकर अपनी बात रखिए सर, केवल दवा की बात करेंगे आप, दवा को लेकर बात नहीं करेंगे। कहां गलत है, कहां गलत है, कहां गलती रामदेव से हुई? दवा जी, ज्ञानदेव दवा की बात जी जी, आप कहिए सर, बात रखिए। इनकी मैंने बात शांति से सुनी, सुन रहे हैं वो भी, अब सुन रहे हैं इनकी बात, इनकी बात मैंने शांति से सुनी, ये सुने दो मिनट। ऐसा है बाबा रामदेव ने जो कोरोना दवाई दी है, कोरोना कोविड 19, हम लोग अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, जर्मनी जाते थे कैंसर टीबी के ऑपरेशन के लिए, इलाज के लिए, अब वो सब फेल हो गए। आयुर्वेद ने, सुश्रुत ने 2000 साल पहले सैकड़ों नहीं हजारों सर्जन होकर ऑपरेशन किए। आयुर्वेद की पद्धति को बाबा रामदेव ने योग के माध्यम से और योग के प्रचार 200 वर्ष से पहले एलोपैथी नहीं थी, ये एलोपैथी के एजेंट, ये कमीशनखोर, एलोपैथी की कंपनियां, ये एलोपैथी के डॉक्टर, ये ज्ञानदेव जी पहले बात सुनिए सर, ज्ञानदेव जी ठीक है, आपकी आपकी भावना समझ गए, लेकिन ज्ञानदेव जी एक बात सुनिए, आयुर्वेद पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, आप ये गलत बात कह रहे हैं, किसी को आयुर्वेद से कोई दिक्कत नहीं है। आपको सुनना पड़ेगा, नहीं आप भी सुनिए सर, आप अगर सर ये डिबेट है, सर ये डिबेट है, आप अगर इतनी सारी चीजें नहीं करेंगे हम नहीं सुन पाएंगे। आप मुद्दे पे बात करिए सर, बहुत लिमिटेड वक्त है, मुद्दे पे बात करिए सुरेश जी, ठीक है, चलिए ठीक है, रिसर्च का सम्मान करते हैं, चलिए अधिवक्ता ठीक है सुरेश जी, बस सर बस सुरेश जी, उनके पास नहीं जा, एक मिनट नहीं, आप ठीक है, आप ऑडियो डाउन कर डाउन कराना पड़ेगा सर, अगर आप लोग बात नहीं सुनेंगे तो एक मिनट। एस के सिंह जी ठीक है, अधिवक्ता एस के सिंह जी, कोई भी हिम्मत है तो आपने, मैं जिसको डिम्स ने क्लिनिकल ट्रायल की है उसके बारे में मैं जवाब दूंगा, मेरी लिमिट तक है, आप साइंटिफिक बात करें, मैं उधार की बात नहीं कर रहा हूं। चुप हो जाएं तो बिल्कुल सर, चुप है, आप अपनी बात रखिए सर, आपने भी इसे लेकर याचिका लगाई है, ऑब्जेक्शन किस बात पर जी? आप अपनी बात रखिए जी। जी जी, मैंने आज मैंने एक PIL लगाई है जिसमें मैंने कहा है कि ये जो बाबा रामदेव जी ने जो एक किट बनाया है जिसका नाम लिखा है कोरोना किट, इसके लिए जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि विधि के ज्ञाता बैठे, तो एक तो बता दूं मैं विधि का ज्ञाता नहीं, एक स्टूडेंट ऑफ लॉ हूं, और ICMR जो एक संस्था है
वो उसके अंदर जो भी कोई एक्स्ट्रा न्यूरल रिसर्च होती है उसके अंदर, एक्स्ट्रा न्यूरल रिसर्च का मतलब वो है कि जो रिसर्च ICMR नहीं करती है, यदि उस रिसर्च को कोई दूसरी संस्था करती है तो इनको वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, और जब उनका रिसर्च प्रोजेक्ट वहाँ पेश करना पड़ेगा, जब वो रिसर्च प्रोजेक्ट वहाँ पेश होगा उसके बाद उनको अनुमति मिलेगी, और अनुमति मिलने के पश्चात ही वो किसी भी ड्रग की रिसर्च करके और उस रिजल्ट के रिजल्ट्स बता के उस ड्रग को लॉन्च करेंगे। अभी जो निम्स वाले अपने डायरेक्टर साहब ने बोला, अभी जो इन्होंने IEC होती है, जो इनकी इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी होती है, ना तो इन्होंने कहीं रिलीज़ किया उसके मेंबर्स का लिस्ट, ना उनका मिनट्स रिलीज़ किया, ना उनको कब परमिशन मिली कुछ रिलीज़ किया। इस तरह से जो एक सेंट्रल ट्रायल रजिस्ट्री है उसमें इनका कौन सा नंबर था और कब इनको अनुमति मिली, किसी भी चीज़ का इन्होंने हवाला नहीं दिया। तो हमने जो PIL में कहा है, हमें कोई तकलीफ नहीं है कि ये जो ड्रग बनी है यदि ये सेफ़ है और यदि इसके लाइसेंस इनके पास हैं और इन्होंने जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है वेरियस परमिशंस की वो यदि ली है तो इसको आराम से लॉन्च किया जाए। पर आप जो उत्तरांचल, कल मैंने आपके मीडिया में ही देखा, उत्तरांचल गवर्नमेंट ने इनको नोटिस दे दिया, इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली। आपने जो आयुष डिपार्टमेंट है उसने आपके एडवर्टीजमेंट को स्टे कर दिया, आपके खिलाफ दी ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है कि आप भ्रामक विज्ञापन दे रहे हैं। और वैसे भी बाबा रामदेव तो झूठे विज्ञापन देने के लिए पहले से फेमस है, मैंने इनके खिलाफ एक FIR भी कर रखी है। इन्होंने मैरी बिस्कुट का दावा किया था कि उसके अंदर 100% आटा है, फिर मैंने राजस्थान सरकार की लैब के द्वारा जांच कराई तो उस बिस्कुट में मैदा मिली, मैदा मिलने के बाद मैंने FIR कराई इनके खिलाफ। बाबा जी गए हाई कोर्ट में क्वेश कराने के लिए, अभी तक तो क्वेश हुई नहीं। ठीक है, एसके सिंह जी आपके पास लौटेंगे। इंद्रराज गुर्जर भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस विधायक हैं। इंद्रराज जी देखिए, सवाल तो राजस्थान सरकार भी उठा रही है, और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, महाराष्ट्र से भी यहाँ पर विरोध के स्वर फूटे, बिहार से भी विरोध के तौर पर आवाजें यहाँ पर उठने लगी। दावा कैसे कोई कर सकता है, और यहां तक कि आयुष मंत्रालय ये कह रहा है कि हमसे लाइसेंस किसी और चीज के लिए लिया जाता है, और ये सीधे सामने मीडिया के सामने आके कहते हैं कि हमने कोरोना की दवाई बना ली है। अब गलत है, एक्शन इस पर होना चाहिए, क्या आप इस बात से एग्री करेंगे, या आपको लगता है कि इस आपदा के वक्त में भी अपने फायदे के तौर पर बाबा रामदेव इस दवा को लेकर आ गए? बिल्कुल श्वेता जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि केंद्र की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने, प्रदेश के अन्य प्रदेशों की सरकारों ने भी इस मामले में आपत्ति जताई है कि ये दवा, कोरोना जो महामारी है, पूरा विश्व जिसको लेकर के चिंतित है, पूरा विश्व अभी तक कोई इसका टीका नहीं बना पाया है, और उसी को लेकर के बाबा रामदेव ने दावा किया है कोरोना को ख़त्म करने के लिए कि हमने दवाई तैयार की है, जिसको ना तो भारत सरकार ने अनुमति दी, ना राजस्थान सरकार ने अनुमति दी, ना उत्तराखंड सरकार ने अनुमति दी। तो मैं मानता हूँ ये देश की जनता के साथ खिलवाड़ है, देश की जनता के साथ धोखा है, और इसके ऊपर बैन केंद्र के सरकार ने भी किया है। अभी ज्ञानदेव आहूजा जी बोल रहे थे, इनको खुद को पता होना चाहिए केंद्र में इनकी सरकार है और उस केंद्र सरकार ने इसको बैन किया है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इसमें ना कोई पार्टी का मुद्दा है, ना कोई सरकारों का मुद्दा है, ये देश की जनता का मुद्दा है, के साथ कोई खिलवाड़ ना करे उसका मुद्दा है, और उसको लेकर ही केंद्र की सरकार, राजस्थान की सरकार और अन्य प्रदेशों की सरकारों ने इसको बैन किया है। तो मैं नहीं, इसमें राजनीति की बात नहीं आहूजा जी, केंद्र में आपकी सरकार ने बैन किया है, आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने इसको बैन किया है, ये तो आपके सामने है, इसमें कोई गलत भी नहीं। ऐसा है कि आयुष डिपार्टमेंट पेश नहीं कर रहा, जो बात सच्चाई है आपके सामने पेश कर रहा हूं, उनको उत्तराखंड में आपकी सरकार है, मिलेगी, आप कृपा करके सुन लीजिए। ठीक है, मान्यता मिलेगी, लेकिन बात यह है कि जब तक सर्टिफिकेशन नहीं होता तब तक तो एक तो इतनी बयानबाजी भी नहीं होनी चाहिए, राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है। देखिए बात अपनी तरफ से होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि 135 करोड़ आमजन की बात की जाती है। ज्ञानदेव जी मान्यता लेंगे, ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आपका भरोसा है, मान्यता देगा, ठीक है ठीक है, आपका भरोसा एक अच्छी बात है, लेकिन एक बात ये समझिए, एक मिनट, हमें आयुष मंत्रालय ने परमिशन दे दी है, ये देखिए
सोशल मीडिया पे लिखा आपने, जबकि आयुष मंत्रालय तो साफ कह रहा है कि अभी कुछ देखिए नहीं, बात देखो पहले, झूठा ऑर्डर है ये, झूठा। आप देखिए उन्होंने अपने मान्यता दे रहा नहीं, ये देखिए आप इसको फोटो करिए, ठीक है जी, ठीक है, जब देगा तब देगा, जब देगा तब देगा, चलिए ठीक है। ये फैक्ट चेक देखिए बलवीर सिंह जी, ये फैक्ट चेक देखिए, कोरोना की दवाई की बात कर रहा हूं, ये फैक्ट चेक देखिए, ये ऑर्डर झूठा है, ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं दिया है मीडिया पे, नहीं दिया है। और इससे अगर भ्रामक चीजें फैलाई जाएंगी, भ्रामक चीजें फैलाई जाएंगी तो इससे आम जनता के नुकसान है, ठीक है। डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर जी, अब सबसे पहले आपने हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा, आपने कहा कि जहां जहां परमिशन लेनी चाहिए थी आप लोगों ने ली है, आप भी वहां पर उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त इसे लॉन्च किया जा रहा था, क्या आपको जानकारी थी कि ये जो ट्रायल चल रहा है ये कोरोना दवा को लेकर है? पहली बात, सबसे बड़ा कंफ्यूजन में पैदा जो आप हो रहा है, निम्स यूनिवर्सिटी का कॉर्नेल से कोई लेना देना नहीं है, डोंट लिंक दी, मेरी बात सुनिए पूरी, मैं क्या कहना चाहता हूँ, निम्स यूनिवर्सिटी ने आयुर्वेदिक की जो दवाएं करी उसकी, जैसा कि हमारे वकील साहब ने कहा, ICMR की CTRI से ये पेपर है, नंबर है उसका 2020/05/025273, इसमें हमको ICMR ने कोविड की के ऊपर लिखा है कुछ मेडिसिन को ट्रायल करने का अनुमति दी, और वो अनुमति, और सुनिए सर, इस गजट में, इस गजट में सर, मुझे एक डॉक्यूमेंट दिखा रहे सर, ठीक है, पहला प्रॉब्लम ये है कि उसके जवाब भी दे दीजिए सर, आपने बिल्कुल डॉक्यूमेंट साथ दिखा, आपने आपकी तरफ से आपने कहा जो परमिशन चाहिए वो आपने ली, आपने कहा राजस्थान 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 गवर्नमेंट की हमें परमिशन की जरूरत नहीं थी, ये प्रोस करिए इसका जवाब लेंगे, लेकिन एक बात बताइए जरा, आपने कहा कोरोनिल से आपका कोई मतलब नहीं, आप उस प्लेटफॉर्म पे क्यों मौजूद थे सर, आपको देखा जब लॉन्च जो हमारे डॉक्टर साहब आदरणीय ने कहा उसके बाद सरकार ने ट्रायल किस चीज का हुआ था, हमारा ट्रायल हुआ था, सुनिए, नो कंफ्यूजन बिटवीन दी माय सेल्फ एंड पतंजलि, वी हैव ट्राइड द टैबलेट प्योर अश्वगंधा 50 मिलीग्राम, वी हैव ट्राइड द एक्सट्रैक्ट ऑफ गिलोय एक्सट्रैक्ट, वी हैव ट्राइड the extract of the anu tail and tulsi and we have tried the ये the before anu the we have tried all these things, combination ही है ये दवा, मेरी बात सुनिए, मेरी सुनिए, ये हमने परमिशन ली ICMR की CTRI से, उसका ट्रायल किया, CTRI केवल रजिस्ट्रेशन करती है, परमिशन नहीं देती, ऐसा है, ऐसा CTRI CTRI परमिशन दिखाइए, परमिशन CTRI नंबर, जब नंबर नहीं, ये रजिस्ट्रेशन करता है, ऐसा है, ऐसा है, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार जिस तरह रजिस्टर करता है ट्रस्ट को, रजिस्ट्रेशन करता है, परमिशन CTRI का नंबर जब मिलता है, जब सरकार उसको अप्रूव करती है, एक मिनट बात सुनिए, आज हम जेडीए और नगर निगम में नक्शे के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं ना, हम सम्मिट कर देते हैं फाइल को, एप्लीकेशन को, कि जेडीए में नगर निगम में नक्शा पास करना है, तो क्या एप्लीकेशन सम्मिट करना परमिशन ग्रांटेड हो गया, दोनों बात ठीक है, आयुष मंत्रालय ने जब 23 जून को इनको नोटिस जारी किया तो इन्होंने अपनी मेल से उस नोटिस का जवाब दिया, अब देखिए बहुत जोरदार इन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर डाला कि हमने जवाब दिया है, अब जब मेल पर कोई आदमी जवाब दे रहा है तो क्या उसमें टाइम डालना पड़ता है कि 7 बजे हम जवाब दे रहे हैं हाथ से लिख के, जरा आप देखिए इसको, आप देखिए जवाब पे हाथ से लिख के 7 PM डाला है जवाब मेल पे तो ऑटोमेटिक टाइम जाता है, ऑटोमेटिक टाइम, लेकिन लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान की जनता को आपदा में अवसर भय दिखा के 50 करोड़ जनता को 5,000 करोड़ नहीं 50,000 करोड़ का धोखा, इसी बात पर आ रहे हैं संजीव गुप्ता जी, सबसे बड़ी बात है जहां दुनिया इंतजार कर रही थी कोरोना की दवा बने, अचानक सामने आके बोला जाता है कि कोरोनिल दवा आ चुकी है, ये आपको ठीक करेगी 100%। दूसरी बात सर, बार बार निम्स का जिक्र किया जा रहा है, सवाल इसलिए उठता है, राजस्थान जयपुर में निम्स का जिक्र किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है जो ट्रायल हुआ है उस दवा का हुआ है, जो आप बता रहे हैं अलग अलग दवा, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है, आप पूछिए इनके पास कोरोना वायरस टेस्टिंग की लैबोरेटरी है क्या, मुझे संजीव जी बहुत ज्ञाता है, लेकिन संजीव जी को ये नहीं पता क्लिनिकल ट्रायल जो होती है मनुष्य में होती है, वो लैब में नहीं होती, हमने कोई दवा अनुमति कहीं निकाली है, क्लियर, हमने कोई कोविड नहीं बनाई, मेरी बात सुनिए, आप क्या एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट भेजे, राजस्थान सरकार ने CMHO ने नोटिस दिया और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जब तक अपनी बात पूरी नहीं करूंगा, हमारे माननीय वक्ता लोग बैठे हमारी बात कंफ्यूजन रहेगा, पहली बात मेरा कोविड से दवाई से कोई लेना देना नहीं है,
मैंने आपको मेरी बात सुनिए, बिल्कुल बाबा रामदेव के काढ़े को मान्यता मिली है, उस काढ़े को मान्यता दी आपने। यही बात है सर, ना काढ़े से किसी को दिक्कत, ना आयुर्वेद से किसी को दिक्कत, दिक्कत यहाँ पर कोरोना से है क्या? बाथरूम में 100% ठीक कर रही है कोरोना की मरीज को माननीय माधवराज सिंधिया जी को, ये दवाई दे दो, माधव क्या ज्योतिराज सिंधिया जी को ये दवाई दे दो। आप लोग सवाल उठा रहे हैं माधवराज जी को, वेदांता में भर्ती क्यों कराया संजीव गुप्ता जी, बीजेपी के प्रवक्ता को? फिर ये राजनीतिक मुद्दा आ रहे सर, अभी आपने कहा, अभी आपने कहा ठीक हो गए, कांग्रेस के नेता ठीक हो गए। ज्ञानदेव जी जरा सुन लीजिए सर, इस देश की स्टेटस बना है कोरोना की आपको, संजीव गुप्ता जी 3% वोट मिल गया, 3% मैक्सिमम लग रहे हैं तो जवाब देने के लिए भी बैठे हुए हैं, सिम्टोमेटिक है, 25% वो मोर मिल गया। संजीव गुप्ता जी ऐसे में तो सर अलग से आपके साथ ही बैठकर एक घंटे बात करनी पड़ेगी। ज्ञानदेव जी आप शांत हो जाइए सर, ऑडियो ऑडियो ऑफ करना होगा, बैठ की दर कम कराई है, ऑडियो ऑफ करना होगा सर, अगर आपने बात नहीं सुनेगी तो ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। संजीव गुप्ता जी आपने अपनी बात रख दी सर, अगर सवाल उठ रहे हैं जवाब देने वाले हैं ठीक है सर, देखा है, देखिए इसको बताइए, एक मिनट, ये दावा फेक है, ये ठीक है सर, ये आप लोग सच झूठ के पर हम नहीं अटक रहे, हम कोरोनिल को लेकर आपने कहा बात कर रहे हैं, आप लोग ने सवाल उठा जवाब देने के लिए मना कर दिया कि कोरोना की दवाई का हमने कराई नहीं, सवाल है कैसे खत्म होगी सर, कैसे खत्म होगी? देखिए कैसे खत्म होगी चीज को, अगर आप निम्स का नाम लेते हैं तो मैंने कहा 100% राजस्थान गवर्नमेंट की सरकार, भारत सरकार, आईसीएमआर से बिल्कुल हमें हमें आईसीएमआर सीटीएमआर से रोहित कुमार सिंह की सारा परमिशन थी, आप मेरी बात समझिए, एक बात पहले आप जवाब दीजिए, आपने लिख के दिया है एप्लीकेशन दिया, परमिशन दिखा दो, मैं मेरी कंप्लेंट विड्रो कर लूंगा, ऐसा है परमिशन दिखा दो, ऐसा है परमिशन, ये दिखा दो परमिशन, ये परमिशन, गुप्ता जी सुनिए परमिशन सुनिए, ये एक्ट है, इस एक्ट में कहीं दिखाने मेरे दोस्त आपने क्या रोहित कुमार सिंह ने परमिशन दे दी, मैं रिक्वेस्ट मैं कहता हूं उसमें कहां का परमिशन का है, परमिशन का है आपने कि रोहित कुमार सिंह ने परमिशन दे दी, ये तो नियम आप बताएं, ये आप नियम बता रहे हैं, वो परमिशन की बात, आप परमिशन बोले, परमिशन दे दी राज्य सरकार ने, अगर राज्य सरकार ने परमिशन दे दी मैं मेरी कंप्लेंट वापस लेता हूं, क्या ऐसा कंप्लेंट वापस लेना लेने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, आप उससे कहना मैं प्रूव करने का, डोंट स्टॉप परमिशन, नो डोंट स्टॉप, नो प्लीज, नो यू वांट टू गेट मार्केट में दिस इनवाइजर, डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप, नो डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप, ये नहीं नहीं दिस इज देश की जनता देख रही है, आप डोंट स्टॉप, आप प्लीज डोंट स्टॉप, हमारी हमारी बात बात सुनिए, डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप, राजस्थान राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार ने परमिशन दे दी, राजस्थान सरकार ने परमिशन दे दी, आपने कहा, आपने कहा सरकार खुद सवाल उठा रही है, सरकार खुद सवाल सुनने की तरह बात तो आएगी नहीं, नहीं राष्ट्रपति के विमान से आपको उतारा गया इस देश की सरकार ने, इसी देश की सरकार ने, आप भागते फिरे, आपका चरित्र देखो पहले आप, आपको क्या हुआ, आपने जो घटना क्या जेल में गया, बिल्कुल बिल्कुल, फिर क्या बात है, हाई कोर्ट ने विदाउट बेल, प्लीज छोड़ो यार बेल, हाई कोर्ट ने छोड़ा मेरे को, डोंट डोंट थिंक, आपने क्या हुआ गोविंद भाई, डोंट कम पर्सनल थिंक, वी आर कमिंग योर कोविड ओनली पर्सनल है, डोंट कम ऑन दिस थिंग, कम ऑन कोविड ओनली, मुद्दे पे बात करिए, इनमें खास कोविड की बात करो मेरे से, कोविड की बात करें तो आप है ना, हमने हमने साहब हमने साहब का परमिशन दे दी, आप किस मुद्दे पे बात करें सर, आप उस पर बात करिए, मेरा आपने कहा रोहित कुमार सिंह ने परमिशन दे दी, ऐसा है परमिशन दिखाइए, कोई कोई माइकल लाल दिखा दे, गजट में कहां लिखा हुआ है, कोई दिखा दे, बाइक का कहां लिखा हुआ है, आपने कहा परमिशन, मैं कहता हूं इस बाइक का लाल दिखा दे, आपने कहा कहां लिखा हुआ है, आपने कहा दिखा रहे, मैं कहता हूं रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड क्या कहता है, इसमें कहां लिखा है परमिशन चाहिए, तो आपने कहा क्यों वापस, कानून रिकॉर्ड आपके लिए मायने नहीं रखता, ये कानून है, ये कानून है, ये कानून है, परमिशन लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, साहब सुनिए, कोविड की दवाई आप कह रहे हैं कि मैंने बनाई नहीं, नहीं नहीं कोविड से मतलब नहीं, प्रचार का है, नहीं बनाई कोविड की दवाई, बस नहीं दो, बस चलिए, आप लोग रामदेव से बोले लेने के लिए
हमारे हमने जो ट्रायल किया, हमने ट्रायल किया अश्वगंधा तुलसी, इसमें ट्रायल किया मेरा सर, बचपन से ले रहा हूँ तुलसी अश्वगंधा, तो फिर क्या बात हो गई? मेरे आयुष मंत्रालय रिकमेंड कर रहा, ऑलरेडी कर रहा है, आपने नया क्या कर दिया? मैंने मैंने खुद बना रखा है सर, हम हिमालय पे भी जाए, आयुष मंत्रालय खुद अलग से पतंजलि का अश्वगंधा है, अलग से तुलसी है, अलग से गिलोय है, कुछ नया क्या किया? नया क्या किया? सवाल इसी बात में घोड़ के एक चक्की में पीस के बना दी, आपका कहना है हमने कर, आपने कहा हमने कोरोना पे कुछ बनाया ही नहीं, कोरोना से लेना देना नहीं, सुनिए बाबा रामदेव से लेना देना है नहीं, बाबा रामदेव से कितना तय किया ये बता दो टीवी पे, सुरेंद्र अपने जवाब काउंट कर लिए, मेरा कोई इस बात में नहीं है, हमारा मतलब प्लीज हम लोग, आप मेहनत आदमी है, मेहनत बात करिए, हमारा ड्रग और विदिक ड्रग आपने कहा था कि रोहित कुमार सिंह ने परमिशन दे दी, रोहित कुमार की परमिशन कहा था, देखिए कोई आप पता पहले मैं कहता हूँ कोई परमिशन नहीं है, आप पलट रहे हो, हम राजस्थान सरकार ने परमिशन दे दी, मैं पंच के माध्यम से परमिशन की कोई जरूरत नहीं है मुझे, आपने कहा था कोई कुमार सिंह नहीं है, कोई जरूरत नहीं कुमार सिंह को, उन्हें रोहित कुमार सिंह राजस्थान सरकार की सचिव सेक्रेटरी है, संजीव जी जरा बात सुनिए, संजीव जी आप कह रहे सरकार कैसे परमिशन दे, जबकि सरकार ये कह रही है, सरकार ये कह रही है, सरकार ये कह रही है, साफ कह रही है कि यहाँ पर बिक भी नहीं सकती वरना बाबा रामदेव जेल में होंगे, ये रघु शर्मा कह रहे हैं, चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं, दवा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो निम्स का नाम आ रहा है, देखिए मंत्री बोल रहे हैं ना, राजस्थान सरकार को रोहित कुमार जी को सबको चैलेंज कर रहे हैं, अरे डॉक्टर साहब कर रहे हैं, देखिए सुनिए, हमारा लिमिट जो है सिर्फ आयुर्वेदिक की दवा जो थी उनको ट्राई करना था, मेरा मरीज किसने भेजे, ठीक है पेशेंट की मरीज किसने भेजे आपके क्वारंटाइन के लिए, केंद्र सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने, नहीं फिर आपने परीक्षण किसी अनुमति से आपने, आपने किया तो, तो, तो मरीज किसी बात किसी का नहीं होता, मरीजों की वीडियो रिकॉर्डिंग है, बिल्कुल दिखाइए, क्यों दिखाऊं, नो देखिए भेज दूंगा आपको, अरे यहां रिजल्ट जो 400 की वीडियो ऐसा है, मेरे पास 446 मरीज मौजूद हैं, और देखिए सुनिए उसका रिकॉर्ड, ऐसे किसी पे रिकॉर्ड में परमिशन, अरे सुनिए वीडियो रिकॉर्ड, ये सब रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड नहीं परमिशन, बताइए रिकॉर्ड मरीज के साथ, राजस्थान की जनता के साथ, 7.25 करोड़ साथ जनता के साथ, 135 करोड़ जनता के साथ, आपके शब्दों से धोखा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, सुनिए आप खुद कह रहे हैं, मतलब नहीं फिर प्रचार करेगा, मैंने प्रचार करेगा बाबा आपके साथ, आपके यहाँ पर शिक्षा नहीं, नो प्रचार, हमारा कहना है सिर्फ ड्रग, हमारा कहना आयुर्वेदिक दवाओं के ट्रायल का है, मेरा कोई मतलब नहीं, हम आयुर्वेद के खिलाफ नहीं है, हम आयुर्वेद के खिलाफ नहीं है, तिल चुगलाए के खिलाफ नहीं है, सुन लीजिए संजीव जी एक मिनट, आप लोग इन्होंने शब्द कहा पूछ लेंगे कि रोहित कुमार सिंह जी ने परमिशन दी, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, क्यों बोल रहे हो, जरूरत जरूरत नहीं है, अब बोल रहे हो, जो ये प्रिंट दिखा रहे हैं उनका कहना है उसमें परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, मान लेते हैं एक मिनट, लेकिन यहां इसी पे सवाल है, क्वारंटाइन मरीज किसने ने भेजे, क्वारंटाइन की बात ही नहीं हो रही है, मरीजों की बात हो रही है, मरीज तो कोई थे परमिशन पे किया, ट्रायल किसके परमिशन पे किया, कोई न्यूज़ मांगने नहीं किया था, आ यहां से ले जाओ, मेरे यहां से ले जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं होती उसकी, राजस्थान सरकार ने भेजे मरीज या किसने भेजे, सरकार ने नहीं भेजे, किसने भेजे, क्या बोल, किसने भेजे, सरकार ने भेजे, क्या क्या कहा उसने, आप राजस्थान सरकार के, उन्होंने क्या कहा, इन मरीजों को गिनी पिग, गिनी पिग मान लो, आपने मरीजों की परमिशन ली, मरीजों का बीमा कराया, उनकी वीडियो बना दी, लास्ट वर्ड बस इसका जवाब दीजिए, इस गजट में क्या कि मरीजों की परमिशन मरीज जरूरत नहीं है, यस नहीं है, मरीजों की, यस यस लिखा है क्लिनिकल ट्रायल कैन बी डन, यस मरीजों की परमिशन, यस इन्होंने कहा इसमें परमिशन की जरूरत ही नहीं है, यस नहीं, यस लिखा है, लॉ क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, एसके सिंह जी आपने कहा नहीं, अभी आपने मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, सुनिए एसके सिंह जी को सुनिए सर, सुनिए लॉ ये कहता है कि कोई भी दवाई यदि बनती है उसके लिए सारी जी सुन लीजिए जरा, ये लोग बोलना बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए सर, आप बोलिए सर, मेरा कहना ये है कि कोई भी दवा इन्वेंट होती है उसके लिए परमिशन, कोई भी दवा इन्वेंट होती है उसके लिए परमिशन लेनी आवश्यक है और लाइसेंस लेना आवश्यक है, हिंदुस्तान में कोई भी ड्रग चाहे वो एलोपैथी की हो चाहे आयुर्वेदिक की हो सबके लिए ICMR से परमिशन लेनी जरूरी है, और यदि कोई आदमी परमिशन नहीं लेता है और कोई आदमी यदि विज्ञापन देता है तो उसको 6 महीने की सजा होगी ड्रग एंड
मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शन एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 ठीक है, और जिसका अभी एक बिल तैयार हो गया है 2020 का, उसके अंदर 5 साल की सजा है। ठीक है, ये सजा का प्रावधान इसके अंदर है। लेकिन एसके सिंह जी, पेशेंट पर किसी पर भी ट्रायल करने के लिए क्या है कानून? 100 लोगों पर इसे ट्रायल किया गया। देखिए, रामदेव कह रहे हैं कि ये कोरोनिल दवा का ट्रायल किया गया, तोमर जी कह रहे हैं कि उनका कोरोनिल से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने अलग अलग जो आयुर्वेद की दवाई है, फिर अश्वगंधा, तुलसी गिलोय, इसका ट्रायल किया। लेकिन क्या किसी पर ये ट्रायल करने के लिए भी तो लॉ होगा? इसके लिए भी तो लॉ है, परमिशन चाहिए जी। एसके सिंह जी, जी हाँ, यदि यदि जी 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 मैं बताता हूँ आपको। तोमर जी ने जो बोला कि मैंने ट्रायल किया मरीजों पे, पर जो ये दवाई जिसके लिए ट्रायल हो रहा है वो बाबा रामदेव जो क्लेम कर रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि मैंने कोरोना के मरीजों को 5 दिन में इतना परसेंट ठीक किया, 7 दिन में 100% ठीक किया, तो वो सभी मरीज मेरे ख्याल से निम्स में होंगे। और यदि ये कह रहे हैं वो निम्स में मरीज ही नहीं थे, तो इनकी जो रिसर्च है और जो इनका टेस्टिंग है, यही क्वेश्चन मार्क हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। रखते हैं अपना तो कोर्ट में, जब मैंने जो PIR लगाई उसमें इनके एफिडेविट पे कार्रवाई हो जाएगी। बड़ा क्लियर मैटर है कि आप रामदेव की कोविड मेडिसिन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वेरी क्लियर। हमने बड़ा क्लियर कह रहा हूं, हमने कोई कोविड का विज्ञापन नहीं दिया, नंबर टू। नंबर थ्री, हमने अनुमति लेके राजस्थान सरकार की कोई जरूरत नहीं, सुना करिए पहले आप, जरूरत नहीं होती, CTRI जरूरत होती है, उसकी परमिशन ली हमने क्लिनिकल ट्रायल की। मेरी पूरी बात सुनिए, उससे परमिशन ली और हमने ड्रग को ट्रायल किया, नॉट ड्रग, वो हमारी अश्वगंधा तुलसी, इनका ट्रायल किया और रिजल्ट हमने कोई न मैं दवा बनाई न मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरा मतलब था कि मैंने परमिशन लेके आयुर्वेदिक की दवाएं ट्राई करी। आपकी सब बातें मान लेते तो फिर एक बात बताइए, आपने कहा इतनी सारे अपने ठीक है डॉक्यूमेंट्स दिखा आपने, सब बातें की, बस एक जवाब दे दीजिए, अगर कोरोनिल से कुछ लेना देना आपका नहीं था, उस मंच पे आप क्या कर रहे थे? जब वहां पे लॉन्च किया जा रहा था, आप हाथ में लेके वो दवा क्यों खड़े थे? क्यों फोटो सेशन हो रहे थे उसमें आप शामिल क्यों? क्यों आप उसका हिस्सा बने सर? बस इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, वो फोटो वहां पे उन्होंने, जैसा कि रामदेव जी ने बताया, उन्होंने 286 विभिन्न अस्पतालों में ट्रायल किया। हमारे यहाँ का ब्यौरा देखिए, मुझे जो उन्होंने बताया, सुनिए मेरी बात, मुझे नहीं पता, सुनिए जरा, फिर पूरी बात सुनिए। मेरे को विभिन्न अस्पतालों में क्या किया मुझे नहीं पता, मेरा ओनली लिमिटेड था 100% पे कोरोना के सिम्टोमेटिक माइल्ड पेशेंट्स में, उसमें मैंने अश्वगंधा तुलसी गुलाब इनका प्रयोग किया और उसका रिजल्ट इतना ही निकला मेरा जो मैंने पेश किया उनको, कि ये मरीज जिनको ये दवा दी गई वो 35% क्विकली रिस्पॉन्स किए एज कंपेयर टू नॉन गिव मेडिसिन, मेरा इसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं था। सो मैं, सुनिए मेरी बात प्लीज, बोल दीजिए मुझे कि मेरा उस दवा से न तो मैं मैन्युफैक्चरर हूं, न मुझे लाइसेंस लेना है, न मुझे मैं बेचने वाला आदमी हूं। मैंने एक कंट्रोल किया, क्योंकि आज तक क्यों किया कि आज तक लोग सब काढ़े पीते हैं, अश्वगंधा लेते हैं, ये लेते हैं, लेकिन इसका कोई भी कोरोना के ऊपर कोई कंट्रोल ट्रायल नहीं था। तो मैं आगे बढ़ करके मैंने आया, जो लोग हम अश्वगंधा खाते हैं, तुलसी खाते हैं, तो ये पतंजलि से बातचीत के बाद मेरा भावना, मेरी भावना ये थी, पतंजलि से बातचीत के बाद ही हुआ होगा। आपने इन्हीं को क्यों चुना? आपने इन्हीं को क्यों चुना? इसलिए चुना कि देखिए, इसलिए मैंने चुना उनको कि आज की तारीख में बाजार में जाते हैं तो किसके पास अच्छा सामान है। एक पंतरी जी मुझे लगा जो ये सामान दे सकता है, हमारा कमाई देने वाला, सुनिए मेरी बात, उसको हमने सामान सिर्फ क्या खरीदा, अश्वगंधा तुलसी ये ली, बाजार में अवेलेबल है, 20 रुपए। चलिए बाली, उसके बाद मेरा इस रिपोर्ट में हमने नहीं कहा कि कोरोना को क्योर कर रही है, क्या मैंने क्या कहा, 35% इसको लेने के बाद मरी, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, 35% इसमें बेटर रिकवरी एज कम्पेयर टू नॉन, एक सेकंड, मेरा कोई भी, आपने तो ये बातें कह दी वहां मंच पर, जब आप मंच साझा कर रहे थे और बाबा रामदेव पूरी जानकारी दे रहे थे, वहां वो साफ कह रहे थे निम्स को लेकर 100 पेशेंट जो 3 दिन में 69% ठीक हुए, 1 हफ्ते में 100% ठीक हो गए, उस वक्त आपको बोलना चाहिए था, उस वक्त आपको रोकना चाहिए था कि आप गलत बोल रहे हो, कोरोनिल से मुझे कोई मतलब नहीं है। श्वेता जी, बात सही है, जो उसमें डाटा मैंने बताया 100 मरीज का, उसमें 3 दिन के अंदर 69% ने रिकवरी फास्ट दिखाई, और जो कि रिकवरी का पैरामीटर क्या था, रिकवरी का पैरामीटर था, रिकवरी का पैरामीटर इनकी लैब, मेरी लैब नहीं है, मेरी बात समझो, अरे मेरी सुनिए, मेरी और सुनिए,
जिस सीएमएचओ ने या जिस राजस्थान सरकार ने इनके यहाँ पर कोरोना के क्वारंटाइन पेशेंट भर्ती कराए वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको आयुष का काढ़ा दे रहे थे, दवाई दे रहे थे, किट दे रहे थे, ट्रीटमेंट में और पूरी दुनिया में दे रहे ट्रीटमेंट में कर रहा था कुछ नहीं मिला आप ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट है ही नहीं आप कर क्या रहे थे हम क्या ट्रीटमेंट कर रहे थे आप बताइए मेरे को ट्रीटमेंट क्या है मतलब लोगों की जान क्वारंटाइन में क्रिएट कर रहे हैं बाबा से पैसे का समझौता कर रहे हैं 600 करोड़ लोगों के आपके साथ धोखा कर रहे हैं स्वीकार किया है मैं कह रहा हूं मैं चैनल के ट्रीटमेंट कर रहा हूं इनके ट्रीटमेंट के लिए यार इतने भ्रमित हैं जनता को भ्रमित कर रहे हैं इनको तुरंत इनके साथ कानूनी केवल क्वारंटाइन देखिए बड़ा साफ बोला नहीं नॉट क्वारंटाइन नो क्वारंटाइन इट वाज पेशेंट नो इट वाज नो आपको नहीं पता मत बोलिए 446 कोरोना पॉजिटिव कि बाबा रामदेव की दवाई ट्रायल कर लो राज्य सरकार ने जी नहीं नहीं कहा ना मैंने क्यों की मुझे परमिशन थी सीटीआरआई की मैंने की सरकार को बताई बताई कहाँ बताइए रोहित कुमार जी को मेल भेजा मैंने ये परमिशन दे दी देखिए आप सुनिए साहब ऐसा एक्ट नहीं कहता आपने नहीं बनाई जेडीए से परमिशन नहीं ली कोर्ट में पहुंच गई ये एक सेकंड आपने नेम यूनिवर्सिटी नदी नाले में बनाई ठीक है चलिए चलिए वक्त खत्म हो रहा है आपने नेम यूनिवर्सिटी नदी नाले में बनाई श्वेता जी मैं डॉक्टर साहब कह रहा हूं आपसे भूल हुई है इस चैनल के माध्यम से जनता से क्षमा मांगो ऐसा है उचित यही है कोई भूल नहीं है मैंने कोई दवा नहीं बनाई मैंने कोई दवा का प्रोडक्शन नहीं किया अगर बात होगी बस ठीक है तो आपने दवाई बनाई नहीं, नहीं। तो बाबा रामदेव के मंच से कौन सी दवा बेची जा रही थी वो भी क्लियर करो नहीं पता मैंने तो अपनी दवा जो बाबा रामदेव और निम्स मिलके 125 करोड़ जनता के साथ धोखा कर रहे थे भारत सरकार के साथ धोखा कर रहे थे राजस्थान सरकार के साथ धोखा कर रहे थे बाबा रामदेव के साथ धोखा कर रहे थे इनका कानूनी कार्रवाई क्या बाबा रामदेव क्या पतंजलि के साथ कोई टाई अप है कोई टाई अप नहीं है मैंने सिर्फ ये दवा सर 100 करोड़ मैंने ट्राई करी है तो फिर आप बाबा रामदेव के साथ क्यों गए अरे भाई सुनिए आज की दवाई ट्रायल आपने खुद अपने लेवल पे की हाँ। आपने परमिशन अपने लेवल पे ली बिल्कुल जो करना था वो आपने सब किया तो फिर रामदेव के साथ क्या कर रहे थे हमने शुद्ध दवा उनसे मंगाई थी इतना ही मेरा रिलेशन है भाई कोई रिलेशन नहीं है हमने दवा नहीं मंगाई हमने मुलेठी ये इनका गिलोय का परीक्षण किया ये कोविड गिलोय तो डॉक्टर साहब आपके निमिष में बहुत लग रही होंगी मेरे भाई तो ये कोरोना का दवा से मैन्युफैक्चर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है मैं साफ साफ कह रहा हूँ उस बात को मुझे मैंने परमिशन परमिशन चलिए ठीक है परमिशन है ही नहीं बिल्कुल सीटीआर की परमिशन है बिल्कुल परमिशन है सीटीआर परमिशन है मेरे पास डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर जी क्योंकि निम्स का नाम आ रहा है एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए न सिर्फ दर्शकों के लिए राजस्थान की जनता के लिए नहीं पूरे देश की जनता के लिए जो इंतजार कर रही थी कि शायद दवा आ गई खुश हो गए थे कि कब मार्केट में आ और हम खरीद लें और इसके बाद ये पता चलता है कि यहाँ कुछ और ही हो रहा था परमिशन नहीं ली गई सर्टिफिकेट नहीं लिया गया इम्यूनिटी बूस्टर की बात कही जाती और इसके बाद कोरोनिल दवा सामने आ जाती बहुत सारी ठीक है अगर आप कह रहे कि आप अपनी जगह सही है तो साफ आप एक फिर एक्सेप्ट करते कि आपका पतंजलि से कोई लेना देना नहीं आपका इस एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं आपका कोरोनिल की दवा से कोई लेना देना नहीं क्या आप एक्सेप्ट करते हैं कैसे आप बड़े शब्दों में सुनिए हाँ। कोरोनिल दवा से मेरा कोई लेना देना नहीं ठीक है नंबर टू मैंने गिलोय स्वसरबटी अनुतेल और तुलसी इनका जो है शास्त्रों में लिखा है उनके लिए आईसीएमआर की सीटीआर से परमिशन ली और 100 मरीजों पे सिम्टोमेटिक टू माइल्ड पे ट्राई किया और मेरे रिजल्ट ये कहते हैं कि ये दवा देने वाले मरीजों में 30% नेगेटिविटी आई वायरस के अंदर एज कंपेयर टू नॉन लेकिन ये मेरा इतना सा कमेंट है मेरा न मैन्युफैक्चरिंग से न बनाने से बेचने मेरा कोई रिलेशन नहीं लेकिन ये कोरोना सबको ये लगा कोरोना कोविड से बच सकते हैं अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा ये सभी चीजें इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं ठीक है लोग पहले से मार्केट से इन सबको ले रहे तो फिर एक्सपेरिमेंट किस चीज का इसलिए बड़े ध्यान सुनिए मेरी बहन आज तक इन दवाओं का एक चीज बता दे कोई इन दवाओं का किसी ने डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल ह्यूमन मीक में किया हो और उसकी स्टडी नहीं है सब लोग शास्त्रों मान के ले रहे हैं वो तो राम रावण के टाइम में हो गया था हमने खाली इन्हीं दवाओं को आपने बाबा रामदेव ने ये बेचने का आज की तारीख में
ये बहस न करके फालतू बकवास का मुद्दा है। मैंने जब कह दिया कि मैंने सिर्फ उन दवाओं का रिसर्च ट्रायल किया है और मेरा किसी बात से मतलब नहीं है, मैंने परमिशन ली और ट्रायल किया, इस बात के अलावा मेरा कोई लेना देना नहीं है। लॉन्च की उनका कहना यह था ये एविडेंस बेस्ड है, ट्रायल किया गया यहाँ पर लोगों का, लेकिन निम्स के साथ, ये कहना बाबा रामदेव का है कि उन्होंने निम्स के साथ संयुक्त प्रयास किया है, कामयाबी मिली है और इसलिए कोरोना किट लेकर आए हैं वो, कोरोनिल दवा लेकर आए हैं वो, ये दावे जरूर बाबा रामदेव ने किया। लेकिन निम्स से यहाँ पर डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर जी जो कि चेयरमैन है वो बैठे, उन्होंने अपनी बात रखी, कहना यही कि जो गाइडलाइंस थी, जो प्रोसीजर था उन्होंने पूरा फॉलो किया, लेकिन उनका ना तो कोरोनिल दवा से कोई लेना देना है, ना बाबा रामदेव से लेना देना है, उन्होंने ट्रायल अलग अलग चीजों का किया था आयुर्वेद का और ये चीज साबित भी उन्होंने की है, ये उनका कहना है। लेकिन सवाल दोनों को लेकर उठ रहे हैं और अब जांच का भी विषय ये, हालांकि आयुष मंत्रालय ने साफ कह दिया कि लाइसेंस हमसे लिया ही नहीं गया, जब बात ये कही नहीं गई कि कोरोनिल, जब बाबा रामदेव सामने आते हैं और वो दवा लाते हैं इसके बाद सबको पता चलता है, फिर वो केंद्र सरकार हो या आयुष मंत्रालय हो, और इसलिए सवाल उठ रहे हैं। कोर्ट में भी मैटर जा चुका है, FIR इसे लेकर दर्ज की गई है, प्रदेश में सरकार कह रही है कि यहां बेचने नहीं देंगे वरना बाबा रामदेव जेल जा सकते हैं। जब इतना सब कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं और कुछ हुआ नहीं है, भले ही कमाई का जरिया हो दवाई के नाम पर, लेकिन सवाल यह है कि जो जनता है, जो इंतजार कर रहे थे, उसके दिल में जरूर ठेस पहुंची है कि हम खुश हो गए थे कि दवा आ गई है मार्केट में, लेकिन दवा के पीछे क्या झोल है वो भी सामने आने के बाद जरूर दिल टूटा है। लेकिन इंतजार करते हैं कि आखिर पूरी जांच के बाद क्या सामने आता है, क्या वाकई में यह साबित होती है या फिर इसे बैन किया जाएगा। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।